नमस्ते बच्चों, आज का अपनी क्लास में बहुत बहुत वेलकम है। तो नई गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम लेसन नंबर 14 करा रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या गाइडलाइंस दी हुई है वो आपको देखना है। कुछ टॉपिक इसके अंदर से हटा दिए हैं, तो मैं जो थॉमसन मॉडल आपको पढ़ाया था वो आपको नहीं पढ़ना है, वो हटा दिया गया है। हम बात करेंगे परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था। कैसे किया गया था? हमने सिल्वर फॉइल के ऊपर अल्फा कणों की क्या करवाई थी, बौछार करवाई थी, जिसके तहत कुछ निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए थे। वो चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि परमाणु के लिए क्या निष्कर्ष रदरफोर्ड ने दिए हैं। तो मैं दोबारा से वो आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ पूरा, कि रदरफोर्ड मॉडल के अंदर परमाणु ने बताया था कि यहाँ पर कोई धनावेश का केंद्र है। कैसे पता चला, क्या पता चला, वो अभी हम देख लेते हैं। पहली चीज ये बताई थी कि कुछ जो अल्फा कण है वो क्या हो गए थे, बिना किसी से टकराए एकदम सीधे आर पार पास हो गए थे। ठीक है, सीधे हो गए थे आर पार। इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो कैसा है, खोखला है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। वही कुछ कण या कुछ किरणें ऐसी दिखी जो इस तरीके से डेविएट हो रही थी। इन किरणों के डेविएशन ने बताया कि अल्फा कण यदि धनात्मक है तो ये प्रतिकर्षित हो रही है। प्रतिकर्षित किससे हो सकती है, प्रतिकर्षित किसी धनात्मक एरिया से हो सकती है। इसका मतलब परमाणु के अंदर एक नाभिक है जिस पर जो आवेश है वो कैसा है, धनात्मक आवेश है। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर वो कैसा बनता है, धनावेशी ही बनता है। तो ये कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। इस बात की पुष्टि कहाँ से मिलती है, ये जो तिरछी किरणें हैं इनसे मिलती है। अब आप कहोगे मैम कैसे मिलती है, तो वो इस टाइप से मिलती है जब वो किरणें टेढ़ी चल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो सीधा यही है कि जो बौछार हो रही है ये प्रतिकर्षित हो रही है। आकर्षण तो सवाल ही पैदा नहीं होता, प्रतिकर्षण हो रहा है। तो प्रतिकर्षण हो रहा है तो ठीक है, प्रतिकर्षण हो रहा है तो इसका मतलब अल्फा कण तो धनावेशित होती है, तो मतलब यहाँ भी क्या है, धनावेश है। इसके अलावा तीसरी चीज और देखिए कि 8000 या 10000 में से कई बुक्स में 10000 मिलता है, कई बुक में 8000 मिलता है। तो इसमें आपको सोचने वाली कोई बात नहीं है, 10000 भी सही है और 8000 भी सही है। 10000 या 8000 में से एक कण ऐसा था जो अपने पूरे 180 के एंगल के ऊपर घूम रहा था। इसका मतलब कि ये जो नाभिक था बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग धनावेश है ये, कि कोई सेंटर पे बहुत ज्यादा धनावेश कण रखा हुआ है जिसकी वजह से इतना प्रतिकर्षण हो रहा है कि वापस अपनी दिशा में पुनः लौट रहा है, वापस अपनी दिशा में पुनः लौट रहा है। तो इससे निष्कर्ष निकला कि अधिकांश भाग खोखला है, बीच में क्या है, धनावेश है, और वो जो धनावेश है वो कैसा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जिसकी वजह से भयंकर प्रतिकर्षण हो रहा है और ये कण वापस जा रहा है। इसके बाद की जो फिजिक्स है पूरी इसी कण के ऊपर देखी जाती है, इनके और इनके ऊपर नहीं है। रदरफोर्ड ने क्या किया कि सिर्फ इसी कण को ऑब्जर्व किया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि ये वापस अपनी दिशा में लौट गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रतिकर्षण हुआ है यही आपके आगे की परमाणु फिजिक्स के लिए जिम्मेदार है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के लिए क्या बताया जाता है, न्यूटन के ऊपर सेव का किरण, ऐसे ही परमाणु की खोज के लिए बताया जाता है कि ये जो पार्टिकल है ये वापस अपनी दिशा में जो लौट गया था यही इसका सबसे बड़ा रीजन है। तो मेक श्योर आप ये अपना डायग्राम कम्प्लीटली बना लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। मुश्किल से 4 या 5 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के अंदर आ रहे हैं, बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है। ज़्यादा पार्ट अपना हटा है नहीं फिजिक्स के अंदर, लेकिन हाँ 14 लेसन में से टोटल मिला के 6 टॉपिक हटे हैं अपनी पूरी बुक के अंदर से, जिनका आगे फिजिक्स में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपके 12th के लिए तो वो 6 टॉपिक में से 2 या 3 टॉपिक इसी चैप्टर के हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और फास्ट ये वीडियोस को देखना है, होमवर्क सेंड करना है, नोट कीजिए इसको। इसके कुछ तथ्य हैं मैं लिखवा देती हूँ फटाफट से। इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल दीजिए परमाणु का नाभिकीय मॉडल, कि पहले पता तो चले परमाणु का नाभिकीय मॉडल क्या है। तो फटाफट से लिखिए परमाणु का नाभिकीय मॉडल, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षणों के
आधार पर 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना के संबंध में एक नवीन मॉडल प्रस्तुत किया जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल कहते हैं ठीक है बच्चों, तो वीडियो में आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको चीज बताती हूँ। पेज नंबर 322 थोड़ा सा है, मदद आपको भी करनी पड़ेगी, वीडियो लंबी ना हो इसलिए, क्योंकि मैं नोट्स आपको सेंड नहीं कर पाऊंगी। तो देखिए पेज नंबर 322, इसके नीचे आपको ये तीनों लिखे हुए हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 322 पे ये तीनों लिखे हुए हैं, इनको आप नोट करेंगे। और यदि कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो आप इनको लिखोगे। अब जो ये तीनों निष्कर्ष आपको बताए थे, तथ्य दिए थे, उनको एक बार हम समझ लेते हैं। पहला तथ्य में ये बताया गया है कि जो संपूर्ण धनावेश है वो परमाणु के अंदर यहाँ पर स्थित है, जो इसकी त्रिज्या है 10^-15 मीटर है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो कितनी है, 10^-15 मीटर, ठीक है। नाभिक के बाद आता है परमाणु की, सेकेंड टॉपिक जो है परमाणु की त्रिज्या की है, तो जो परमाणु की त्रिज्या है वो है 10^-10 मीटर। ये बड़ा है, ये छोटा है, इतना तो समझ में आता है आपको, ये बड़ा है ये छोटा है, कहीं ऐसा ना हो 10 और 15 में से 15 बड़ा है, मैम ये इसके अंदर कैसे आ जाएगा, माइनस लगा हुआ है, इसलिए इस चीज़ को समझ में रखना कि ठीक है कि परमाणु की त्रिज्या आपसे पूछ लिया 10^-10 मीटर, सेंटीमीटर में तो अपने हिसाब से चेंज कर लेना। यदि नाभिक का बड़ा जाता है 10^-15 मीटर। अब ये कह रहा है थर्ड वाले रूल में, ये कह रहा है कि यदि ये कि इतने आकर्षण बल से प्रभावित है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप बताती हो इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे चक्कर लगाने चाहिए इसके चारों, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 चक्कर लगाएगी और क्या होगा, इसके आकर्षण बल में आके एक दिन नाभिक के अंदर गिर जाएंगे। तो जब नाभिक के अंदर गिर गए तो फिर तो इलेक्ट्रॉन उसका परमाणु का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर गए तो परमाणु का तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को है ना रदरफोर्ड समझा नहीं पाया, रदरफोर्ड अपने जो भाई साहब है ये इस जगह क्या हो गए, फेल हो गए, समझा ही नहीं पाया। सीधा सा क्वेश्चन किया गया था कि यदि ये इसके आकर्षण बल के अधीन चक्कर लगाते हैं तो ये इसमें गिरेंगे ना एक दिन, तो आप चक्कर लगा रहे हो, एनर्जी लॉस भी होगी, एनर्जी लॉस होगी तो धीरे धीरे आगे क्या हो जाएगा, इसके अंदर गिर जाएगा नाभिक के अंदर, और नाभिक के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन गिर गया तो परमाणु का तो अस्तित्व ही खत्म, परमाणु तो इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही तो पहचाना जाता है, ठीक है। इस चीज को रदरफोर्ड नहीं समझा पाए, इसलिए नए साइंटिस्ट आए नील्स बोर, साइंटिस्ट कौन सा आए थे नील्स बोर, उन्होंने फिर हमें अपने तथ्य दिए कि क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, परमाणु की क्या व्यवस्था है। तो आपको समझ में आ गया फेलियर्स कि रदरफोर्ड का फेलियर क्या था, कि वो नाभिक के अस्तित्व को नहीं बचा पाया, स्थायित्व को नहीं बचा पाया कि स्थायी कैसे रहता है, इसलिए रदरफोर्ड क्या हो गया, फेल हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।